हाय फ्रेंड्स, स्वागत है मेरी चैनल पे गार्डनिंग विद एल्विका। फ्रेंड्स, आज बारिश थोड़ा कम हो गया है, इसलिए मैं मेरे टेरेस गार्डन पे आ गई हूँ और आज मैं आपको मेरे टेरेस गार्डन का छोटा सा व्यू कराती हूँ। और शुरुआत में देखिए फ्रेंड्स, एक कॉक्सकॉम का पौधा सीड्स गिरकर अपने आप उग गया है। वैसे भी मेरे गार्डन में ऐसे कॉक्सकॉम के पौधे बहुत सारे उग गए हैं और मैंने बहुत सारे सीड्स भी निकाल के रखे हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे सारे देसी गुलाब के पौधे हैं। मेरे पास 2-3 कलर के देसी गुलाब के पौधे हैं और इसमें आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत फूल खिले हैं। और इसकी प्रूनिंग भी कर दी थी मैंने और उसके बाद इसमें देख सकते हैं कितने नए नए स्टेम्स भी निकले हैं और इसमें बहुत सारे फूल भी खिल रहे हैं। और ये देखिए, और यहाँ पे देखिए, ये भी एक पिंक रोज़ है मिनिएचर। इसमें गुच्छों में फूल खिलता है और इसमें भी बहुत सारे फूल खिलते हैं। और जितने भी ऐसे फूल खिले हुए हैं वो सब मुझे हटाना है, नहीं तो हमारे पौधे ख़राब हो जाता है। और वैसे भी बारिश के दिनों में बहुत सारे फूल खिलते हैं ऐसे देसी वेराइटीज़ में। ये देखिए, और यहाँ पर आप देख सकते ये सारे गुड़हल के पौधे हैं। ये मैंने सारे गुड़हल के पौधों की प्रूनिंग कर दिया है, नहीं तो रोज़ रोज़ हवा से सारे पौधे नीचे गिर जाते थे और मैं बहुत परेशान हो जाती थी, इसीलिए मैंने सारे पौधों की हार्ड प्रूनिंग कर दिया है। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये सारे मेरा मोगरे के पौधे 2 है मेरे पास और ये एक कनेर का पौधा भी है। ये सारे मैंने तीनों पौधे एक साथ रखा है ताकि ये भी रोज़ हवा से नीचे गिर जाते थे, इसीलिए मैंने तीनों पौधे एक साथ रखा है ताकि इन तीनों को एक साथ सपोर्ट मिल जाए, इसीलिए मैंने तीनों पौधे एक साथ रखा है। और ये देखिए, ये बड़े बकेट में लगा हुआ है तो फिर भी ये हवा से नीचे गिर जाते थे। और ये देखिए, अभी बारिश ख़त्म होने के बाद मुझे फिर से अरेंज करना है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा यूफोर्बिया मिली का पौधा है और मेरे गार्डन का हालत देखिए कितना है, ये हो गया। और ये देखिए, ये मैं कनेर का कटिंग है इसमें लगा दिया है और यहाँ पे भी मैंने कुछ गुड़हल की कटिंग्स भी लगाया है इसमें। ये देखिए, तो फ्रेंड्स बारिश आना शुरू हो गया है। तो आज की वीडियो इतना ही, तो हम फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। मेरी वीडियो पे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।